हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ह्यूमंस ऑफ बोधगया सीजन 4। मेरा नाम है भावेश गुप्ता और आज मैं आपको मिलाने लाया हूँ एक ऐसे शख्स से जो हमेशा हर वक्त हमारे हर छोटे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। तो आइए मिलते हैं एक्स सर्विसमैन अमित कुमार सिंह, ऑल्सो नोन एज द रॉकेटियर। तो अमित भैया, हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, बट हमारे दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हमें बताइए। मेरा जन्म जहानाबाद में हुआ, वहां से 10th की पढ़ाई की, उसके बाद में मैंने +2 SS कॉलेज जहानाबाद से किया और उसके दौरान मैंने पढ़ाई होने के बाद में मैंने फौज को ज्वाइन किया। तो ये फौज का ज्वाइन करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? जब मैं देखा कि मेरा भाई फौज में है और उनको देखता था कि ये फौज की वर्दी, तो हमें भी एक जुनून हुआ कि मैं भी फौज को ज्वाइन करना है और मैंने 5 जनवरी 2005 को रेजिमेंट ऑफ आर्मी में मैंने ज्वाइन किया। तो क्या आप हमें अपने ट्रेनिंग के बारे में, वहाँ उस वक्त क्या आपने फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया, उस बारे में कुछ बताइए। आर्टी सेंटर हैदराबाद में मैंने 44 वीक्स का ट्रेनिंग किया। इसमें बेसिकली हर एक चीज़ के बारे में सिखलाई सीखी, कठिन से कठिन परिश्रम करके, जैसे वेपन का हो गया और लेटेंट के साथ कैसे लड़ाई लड़ना है आपने, वहाँ से मैंने 44 वीक ट्रेनिंग की और मैंने पोस्टिंग कलकत्ता में 187 को रॉकेट में। तो भैया, जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई 44 वीक्स की, उसके बाद आपने बताया कि कलकत्ता में आपकी पोस्टिंग हुई थी, तो क्या उसके बारे में कुछ बताइए। कलकत्ता में मैंने यूनिट में पोस्टेड हो गया, उसके बाद 6 मंथ कलकत्ता में रहने के बाद में मेरा रेजिमेंट का पोस्टिंग आ गया सियाचिन में। तो 17 मई 2006 में मैंने लेह चला गया। ओके, लेह से वहाँ पे मैंने सियाचिन में ट्रेनिंग की 21 दिन का और उसके बाद में सियाचिन जो टाइगर सेडल हमारा पोस्ट था वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। तो ये सारे मेडल्स जो मैं आप देख सकता हूँ, तो ये क्या आपको वहीं पे मिले हुए हैं या इसके बारे में कुछ बताइए। ये मेडल हमें सर्विस के दौरान में मिला है, जो फर्स्ट में ग्रीन मेडल है जो 9 ईयर्स जो 9 साल सर्विस करने के बाद में दिया जाता है। सेकंड मेडल है जो हाइल्टीट्यूड एरिया है, जो 9000 से अब हाइट के ऊपर में जो रेजिमेंट डिप्लॉयमेंट है उनके लिए हाइल्टीट्यूड मेडल मिलता है। तीसरा मेडल मेरा है जैंड के, जो सैनिक जैंड के में तैनात होता है ड्यूटी में, तो जैंड के का मेडल मिलता है जम्मू एंड कश्मीर में आपकी पोस्ट। यस, और लास्ट मेडल है जो सियाचिन में ग्लेशियर में रहता है, उसके लिए सियाचिन का मेडल दिया जाता है। तो आप अपने सियाचिन के जर्नी के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे आपने क्या सीखा, क्या आपको वहाँ पे मुसीबतें झेलनी पड़ी? सियाचिन क्षेत्र में -40 डिग्री टेम्परेचर में सैनिक को ड्यूटी में तैनात रहना पड़ता है। okay. और वहाँ पे स्ट्रगल है, बर्फ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठंडी है और खाना पैकिंग दिया जाता है उसमें, जिसे एवलांचेस से बचना है आपको, कहीं बर्फ का स्लाइडिंग हो जाए उससे बचना है, और काफ़ी ठंड एरिया है उससे हमें बच के रहना पड़ता है। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप सियाचिन में थे, आप कश्मीर में थे, तो ऐसे जगहों पर जहाँ गाड़ी सही से पहुँच नहीं पा रही, उस वक्त आपके लिए खाना पीना ये सब बंदोबस्त ये कैसे होता था? जब ऑपरेशनल लॉन्च होते हैं श्रीनगर में, तो 72 आवर्स का हमने पैकिंग राशन कैरी करते हैं और उसी का हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशनल ख़त्म होने के बाद में कंपनी में वापस आते हैं। तो आपकी जो लास्ट पोस्टिंग थी अम्बाला कैंट,
तो वहाँ पर आपका क्या रोल और क्या करते थे? अम्बाला कैंट में हमारा रेजिमेंट का पोस्टिंग आ गया, वहाँ पे हमारा ड्यूटी पोस्टेड हो गया और वहाँ से हमने रिटायरमेंट। तो अमित भैया, फिर रिटायरमेंट के बाद आपने आईएम बोधगया में कैसे फिर ज्वाइन किया, वो जर्नी कैसी रही आपकी? रिटायरमेंट के बाद में मैंने सिविल लाइफ आ गया, तो मैंने सोचा कि एक अच्छे से संस्थान में मैं योगदान दूँ। तो मैं देखा कि आईआईएम बोधगया है जो कि सूट है, इसमें रिस्पेक्ट और योगदान देना सही है, और हमने यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन किया। तो यहाँ पर ड्यूटी करते वक्त आपने फौज की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में क्या फ़र्क देखा? फौज की लाइफ में और यहाँ में अंतर है, जो हर एक जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, और यहाँ पे बच्चों के साथ हमने ड्यूटी दिया और हेल्प जो कि फौज में भी हमने हेल्प किया है और शूट में भी बच्चों को हेल्प करता है। बहुत बहुत। तो इसके अलावा भैया, आप यहाँ पर जैसे रोज़ ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप हम सबसे रोज़ मिलते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें कुछ भी लगता है तो आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो आप हम सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे, हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए लाइफ में? आप लोग को पहला चीज़ तो है कि लाइफ में कोई भी काम करो तो पॉजिटिव थिंग के साथ में काम कीजिए, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और जो निगेटिव सोच के काम कीजिएगा निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हार्ड से हार्ड मेहनत करके पॉजिटिव सोच के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट को हासिल कीजिए। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने अपनी ये इंस्पायरिंग कहानी हमारे साथ शेयर की, और इसी के साथ मैं अपने पूरे ऑडियंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर कनेक्टिंग विद अस ऑन दिस न्यू एपिसोड ऑफ ह्यूमंस ऑफ बोधगया। होप यू एन्जॉय दिस एपिसोड, एंड वेन एवर यू मीट अमित भैया आउटसाइड कैंपस और इनसाइड द कैंपस, यू रिमेंबर दिस स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।